तो हम पहुंच चुके हैं अब जू के अंदर और यहाँ से हम जा रहे हैं आगे टिकट लेने। तो उधर की तरफ जो आपको दिख रहा है उधर टिकट काउंटर है, तो चलिए चलते हैं। अभी वो तो चलेगा कितने की है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ से हम लेके चलेंगे टिकट, एंट्री करेंगे। तो हम घुस चुके हैं चिड़ियाघर में और लेकिन एक चीज़ बता दूं, अब यहाँ पर ना ऐसे टिकट नहीं मिलता ऑफलाइन, ऑनलाइन ही आपको लेना पड़ेगा। तो बस हमने ले लिया और एंट्री कर लिया पीछे से, देखो। तो चलिए देखते हैं, वैसे तो हमें पता है यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा लेकिन आज देखते हैं, क्या पता अब आ गया हूँ। हम बहुत पहले आए थे, कितने साल पहले आए होंगे हम? दो साल हो गए हमें आए हुए। तो चलो देखते हैं, दो से भी ज़्यादा ही, तभी कुछ नहीं था तो अब तो पता नहीं। बाकी जो जो दिखेगा दिखाते हैं। बाकी तेरे को तो मिल जाएंगे, बाकी इसके साथ के लोग तो मैंने बताया था है रिश्तेदार। तो चलो आगे। ये देख क्या बनाया है, देखो वेस्ट मटेरियल से बनाई है ये फिश। और अब हम चलेंगे, ये दिखाने के ट्रैक्टर भी बनाया है। कोई ट्रैक्टर नहीं बनाया, वो खास कर रहा है। ये रह जाएगा एनिमल का कूड़ा। तो ये देखो, ये है ब्लैक स्वान, एक ही दिखाई हमें। देखो, दूसरे स्पॉट पे पहुंच गए, यहाँ पर है नील गाय। ओहो नील गाय तो बड़ी दूर है, मैं दिखाती हूँ अगर दिखी। वो देखो, ये देखो, ये है घोंसला बनाया हुआ। क्या है ये? जल पक्षी। इसमें तो ये लिखा है, तो भाई वाटर बर्ड। ये देखो वाटर, और ये रे बर्ड। और घोंसला भी बनाया हुआ नीचे, देख छोटा बच्चा वो देख, दिख रहा है वो देख, वो देख छोटा बच्चा वो देख, वो देख, वो देख, उसमें उसका बेबी है भाई जो उसका नेस्ट है। वो देख वो देख वो देख, छोटे छोटे। देखो आप जूम वर्जन ऑफ जल पक्षी। ओहो ये देखो, आपको क्या मतलब, पूरा वो दिखा दिया उसने अपना, जितना वो कर सकती थी उसने करके दिखा दिया है। कैमरा देखते ही एक्टिंग। भाई इधर पर बैठा है एक बंदर, बताओगे तो जाइए, इसका भाई है भाई, जो बैठा हुआ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसी की तरह है बिल्कुल। बहुत शर्मीला भाई, इतने लोगों को देख के वो मेरी मम्मी बुलाना चाह रही है उसको। मेरे को तो दिख ही रहा है कैमरे पे गोणी। तो चलो भाई हम इसे टाटा बोल के आगे निकल रहे। तो देखो ये दूसरा है, लेकिन ये भी इधर को मुंह करके नहीं बैठा। ये मुझे लग रहा है नितिन ने चिड़े पड़े हैं, नितिन को देखना नहीं चाहते, खानदान है ना भाई। चलो भाई बाय बाय कर रहे हैं। ये देखो इन्हें झूले कह रहा है इनके, उनका तो पेड़ ही झूला है, उनको झूलों की क्या जरूरत है भाई। तो भाई अब हम थक चुके हैं, देखा हमने कुछ नहीं है, बंदर देखे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। पर अब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे जाके, फिर आपको दिखाते हैं आगे। और इधर देखो ये ये रैंडम फोटो क्लिक कर रहा हमारी। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करके फिर मिलते हैं। हम रेस्ट करके उठ चुके हैं और हमें एक नई डेस्टिनेशन मिली है, दिखाती हूँ। तो ये है हॉक डेयर, तो मैं दिखा लूँ आगे। ये देखो ये है हॉक डेयर, पाणा हिरण बहुत सारे वैसे ये इधर पे, वहाँ पे खाना रखा हुआ है। हाँ वो वहाँ पर है। तो ये देखो ये नितिन का भाई कुछ ढूंढ रहा है यहाँ बैठ के। अरे तेरी पर जाती तो है ये, देखो आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये देखो, चलो भाई कुछ और देखते हैं। तो ये देखो ये है सांबर डियर। तो ये देखो ये है, पता नहीं कौन सा वाला हिरण है ये, लेकिन हमें दिखाया ब्लैक कलर का। ब्लैक और ये इधर भी कौन है, ये ब्लैक बक लिखा है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, पता है तो बिल्कुल सक्सेसफुल हैं आप लाइफ में, आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। फिर यहाँ पे गोल्डन जैकल गीदड़, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, वो देखे घूम रहा है मजे से। क्या फिंगर रिटोई हो रहा है क्या उसको? चलो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें दिखेगा गेंडा जी। तेरे वो देख, तो गेंडा जी अबे जा मेरा दोस्त, मैं दिखाऊं तेरे को। तो चलो भाई देखते हैं, देखो जिधर भीड़ है ना उधर ही खड़ा होगा वो गेंडा।
इसकी शक्ल तेरे से मिल रही है, देखो देख। तो ये देखो, ये दिख रहे होंगे आपको गैंडा जी, पानी में नहा रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं, हमेशा सनबाथ ही लेते रहते हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? मम्मी को बढ़िया लग रहा है अपना अन्ना रिश्तेदार। नितिन आपको करके दिखाएगा कैसे कराया। नहीं ऐसे देखा आपने कितनी मैच, सेम टू सेम सेम सेम। ये देखो गेंडा जी बाहर निकल रहे हैं, ये देखो, ओए ओए। हम ये देखना है मकाओ, और देखो वहाँ ऊपर बैठे हुए दिखा के आपको थोड़ा ठीक से। तो ये देखो, ये है वो मकाओ, और बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे बैठे हुए। तो भाई बहुत समझदार बच्चे हैं, पेड़ से भी। फिर तो ये मैं ही हूँ, लेकिन जो पहले दिखाए वो नहीं है। तो देखो ये है रेड वाले, येलो वाले है ना आपको दिखाए, ये रेड वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, इनको यहाँ पे गिलहरी नजर आई। देखो आप, ये आपको दिख जाएगा ऊपर जाते हुए। ओ आवाज भी कर दी, ये आवाज भी सुना रहे अपनी, बहुत कैमरा फ्रेंडली पक्षी है भाई। देखो ये है काला मुर्गा, पता नहीं आपको दिख रहा या नहीं, ये देखो। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे नितिन को खड़ा किया था कि आपको दिखे, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। ये देखो, ये है खतरों के खिलाड़ी, पूरे करतब करके, पहले नहीं होता तो सर्कस करके दिखा रहे भैया हमें। तो ये है सिल्वर फिजेंट, और ये देखो लोगों पास से दिखाती हूँ। ये तो मुर्गी प्रजाति लग रही है कुछ, नहीं ये मुर्गे की है, मुर्गा ऐसा ही तो होता है पीछे। हाँ बड़ा साइज है मुर्गे का, सॉरी यार मोर बोल दिया। कोई ना, तुझे पता ही ना। पता है मुझे, जब मैंने उसके पीछे तो देखा ना तो मुझे समझ आ गया ये मुर्गे की प्रजाति है। तो भाई अब हम घूम घूम के थक गए हैं, फिर से बैठ गए। तो यहाँ पे हम कर रहे रेस्ट, और नहीं गया आइसक्रीम लेने, वो ले भी आया है। तो आइसक्रीम आ गई है, और नी नहीं खा रहा है क्योंकि नी को कोल्ड हो रहा है, तो हम खा लेते हैं। तो ये देखो ये बैठा है, भाई सारे पेड़ एक्टर है, भाई सारे पेड़ एक्टर है। फोटो शूट कराने के लिए आगे आगे आ रहे हैं। तो ब्राह्मणी की सब ध्यान है। तो ये चील, तो ये है चील, ये तो तेज तरार है। तो ये देखो ये बैठा उल्लू जो सो रहा है, एक और एक इधर बैठा है। तो देखो एक ये रहा, वो देख रहा है। तो उसका नाम गुगु पड़ेगा। ये देखो इसने गर्दन मोड़ी है अभी। तो ये देखो 360 डिग्री मोड़ होता है ये। हाँ तो उसको वो है वरदान ना, उसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना हुआ है, वरदान ही बोले उसको। तो ये है मगरमच्छ, और देखो उधर है। तो देखो ये है हिरण यहाँ पे, देखो कैसे दिख रहा है। बिल्कुल ये देख, पोत मार के दिखा रहा भाई। तो ये देखो हिप्पो, बस चलेगा नीचे, बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहे हैं। ये देखो देखो अपनी पूछी, चलो ये भी डेली ना रहे भाई, तू तो ना ले, इनसे सीख ले कुछ। ये देखो ये है हाथी महाराज यहाँ पे, और देखो क्या कर रहे हैं, और पीछे और भी हैं बड़े बड़े जो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो पीछे वाले हाथी महाराज, और ये इधर हाथी राजा कहाँ चले, उनके तो दांत है भाई, वो वृद्ध है, वो सीनियर सिटीजन है, ये थोड़े जवान है। तो ये है वाइट टाइगर,
तो ये है यहाँ पर, वो देखो कितने सारे एक साथ सोए हुए। ये शेर को भी नहीं वो करता मम्मी, ये अपने तीर छोड़ देता है। यहाँ पर है लैपर्ड तेंदुआ, ऊपर बैठा, दिखाती हूँ सामने से, एक नीचे बैठा है, ये देखो। दिखाती हूँ सामने से, तो ये देखो ऊपर बैठा है और ये नीचे सो रहा है बिल्कुल, बैठा है। भाई वो कह रहा है मैं पिंजरे में ना था ना बताता तुम्हें। उसके मन में यही है कि ये बूंदी सगल का जो खड़ा है बाहर बताता इसको। ये देखो मोर जबरदस्ती नाच जाएगा क्या, ओए चलो भाई इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो भाई चल रहे हम। तो देखो ये है जंगली भैंसे, जो आपने देखा होगा कौन सी मूवी में, बाहुबली में है ना पापा, और देखना मोर भी सेम उन्हीं के पास जा रहा है। ओ भाई बढ़िया, इसको देखो। हाँ भाई देख रहे हैं सारे, इसको लग रहा है मैं दिख नहीं रहा है भाई, कितना अच्छे से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो बड़े बड़े हैं भाई, भयंकर हैं। तो ये है ऑस्ट्रिच, वो देखो इनकी लात बहुत भयंकर होती है, सबसे बड़ा अंडा भी ऑस्ट्रिच का होता है। हम इंटेलिजेंट आए भाई, ये घूम रहे हैं कभी छेक, ऐसे बड़े लगते हैं, सामने आया लाजी लत मारेगा। 70 किलोमीटर की पर सब वो है मैक्सिमम स्पीड। तो देखो ऐसे करके आ गया, घूम के राउंड लिए जा रहे दोनों। ये देखो दूसरा भी आ गया। तो ये देखो इधर है नील गाय, पहले दूर से आपको दिखाई थी, अब ये पास से दिखा रही हूँ मैं। पीछे वो मोर दिख रहा होगा आपको, नाचने की कोशिश कर रहा पर नाच नहीं रहा है। चलो तो नील गाय को नील गाय क्यों बोलते हैं? हाँ बता क्यों बोलते हैं, मेरे को तो पता है तू बता। अच्छा। भाई तो अब क्वेश्चन ये था कि नील गाय को नील गाय क्यों कहते हैं, तो नितिन को खुद नहीं पता, ये मुझे पता है। अच्छा बता ना, बता बता तू बता ना, क्योंकि भाई जो मेल होता है इसमें वो नीला होता है, उससे नीला लिया गया है, और गाय तो गाय के लिए लिया गया है नील गाय, है ना? तुझे पता है ना, चश्मे लगा दियो। तो अब मैंने आपको इतनी अच्छी डेफिनेशन दे दी है नील गाय की, कि जो मेल होता है उसमें वो नीला होता है और जो फीमेल होती है वो थोड़ी येलो येलो होती है ना, येलो होती है। लेकिन इसे नील गाय, डोमिनेटिंग सोसाइटी भाई, नीला तो मेल होता है तो नील गाय रख दिया हमने इसका नाम। तो देखो ये वाला जो है वो मेल है, जो कि आपको नीला पता नहीं, यहाँ से तो काला सा दिख रहा है, बड़े नीला है, तो वो मेल है। और ये जो आपको दिख रही है ना ये येलो है, ये फीमेल है, इनका येलो बोला गया है, शायद इनका कलर थोड़ा सा अलग हो गया, बट हाँ मेल फीमेल का डिफरेंस है, इसीलिए नील गाय नाम पड़ गया, क्योंकि मेल का कलर ब्लू होता है और गाय मतलब गाय। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल और लास्ट डेस्टिनेशन यहाँ की, और वो है हमारी ये बत्तखें जो घूम रही हैं पानी में। देखो यहाँ से आधे से ज़्यादा तो पानी के मजे ले रही हैं। उई वो तो अपने वो हिला रही है देख, उई उसने अपने पंख खोले, क्या खोला है, मुझे अपने पंख हिला रही है, और वो सारी बैठी हुई हैं धूप लेने। तो चलिए अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो ये देखो अब निकल चुके हैं अपने ट्रिप पे ये सब, हम ना सीख पाए लेकिन देख लो क्या स्विमिंग कर रहे हैं आवाज निकालते निकालते। वो जो ऊपर पार्टी जा रही है उनको ये कह रहा तुम जा जाओ, तुम्हारी तरह डर के जाएंगे। ये ऊपर वाले नहीं है, ये पीछे जो रह गया ना ये तो नहीं है डरपोक है। और हम सब देखो आगे निकल गए।
तो ये देखो ये घूमते घूमते यहाँ से आ गई है और लाइन लाइन से आ रही है। और नितिन को देखो वहाँ पीछे है, वो वहीं रह गया। बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रही है। देखो भाई, तो चलो आज यहाँ तक का तो हमने देख लिया जितना भी था, अब चलते हैं बाहर। तो हम यहाँ से जाएंगे बाहर। आप यहाँ पे ना हाइट भी नाप सकते हैं। तो देखो 5-6 है शायद, मैं भी नाप लेती हूँ। हाँ यहीं तक है, 5-4-3 होगा, फिर थोड़ा सा इसमें अलग दिख रहा है। तो अब हम निकल चुके हैं चिड़ियाघर से बाहर और अब जाएंगे घर सीधा। तो अभी थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे हैं भाई, पैर दर्द हो गए चल चल के। बाकी ज्यादा कुछ तो है नहीं, 80 रुपए की टिकट है अगर कोई एडल्ट है, बाकी बच्चों की शायद 40 रुपीज की है। वो भी ऑनलाइन ही आप ले सकते हैं, आप तो ऑनलाइन लेकर ही आइएगा, बाकी और कुछ है नहीं ज्यादा। तो चलिए आप घर की तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको घर पे जाके। तो अब हम जो है घर जा ही रहे थे, तो हमें रास्ते में दिखा यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा के चलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब आएगा, बाकी एक बार एक प्लेस का आपको थोड़ा सा व्यू देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर हम बैठे हैं, ये इंतजार में बैठे हैं दोनों, और यहाँ पर इस तरीके से पूरी लिस्ट लगी हुई है खाना क्या क्या आपको खाना और ऐसे। तो ये देखिए छोले भटूरे आ गए हैं और रेडी पापा yes. और नी बाकी की चीजें भी वहां से लेके आ रहा है, तो चलो खाना शुरू करते हैं हम। तो पापा यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, सही है। मम्मी हमारी कुछ नहीं खा रही है, मम्मी सिर्फ ठंडा पी रही है, और पीछे से नी भी आपको आते हुए दिख गया है, चाउमीन ले आया है। तो चलो खाती हूँ मैं भी भाई, चाउमीन तो लजीज लग रही है। पहुंच चुके हैं घर, और इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।